अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज के ब्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। अभी मैं नमाज पढ़ कर बाहर निकला हूँ, तो अभी हमने जाना वहाँ के लिए। फिलहाल हम मेरे दोस्त नहीं आए, उनका वेट कर रहा हूँ। वो हमेशा की तरह लेट ही आते हैं। बाकी ये बकरियाँ आ चुकी हैं। अरे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त व्यू है, परिंदे भी चहचहा रहे हैं। सुबह का टाइम है, पुरसकून माहौल है। हल्की हल्की सी सर्दी शुरू हो गई है। बाकी अभी मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं पहले कौन सा दोस्त आता है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ वॉक पर जाता हूँ, मज़ा आता है, टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। 15 मिनट के बाद मेरे फ्रेंड आ चुके हैं, अब चलेंगे वॉक के लिए। काफ़ी लेट आए हैं, चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप ला रहे हैं अच्छे घर। 6 बज चुके हैं, माशाल्लाह सूरज तुलू हो रहा है, चेक करें, बहुत अच्छा व्यू है। बाकी ये सादी चावल की फसल है, इसको बीमारी आई थी थोड़ी सी पत्ता सूखने की गर्मी की वजह से। अब 2 दिन बारिश हुई है, वो भी ठीक हो गई है। अब माशाल्लाह फसल भी ठीक है। तो बाकी हम इधर वॉक कर रहे हैं, ये मोटरवे है, सियालकोट से लाहौर तक जाती है। इसके साथ साथ वॉक कर रहे हैं, वो सामने मेरे दोस्त से आ रहे हैं। कहना कल ही मैंने नई ली है, इसका रेट तकरीबन 300 था। बताएं कैसी लग रही है, सस्ते वाली है, इतनी महंगी नहीं है। यहाँ पर रोड का एंड हो चुका है और हम वॉक भी इधर एंड करेंगे और वापसी के लिए जाएंगे। चेक करें, रोड अभी इधर तक ही बना है, आगे नहीं बना। तो जब आगे बनेंगे आगे के लिए भी जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं वापस। सूरज निकल चुका है और ये सामने से आ रही है गांव की देसी सवारी, जिसे खोती जड़ी बोलते हैं। इसके ऊपर चारा लेकर आते हैं भैंसों के लिए। लागे जाओ, कट्ठे हो जाओ, कट्ठे हो जाओ। माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है, सुबह की वॉक करनी चाहिए। आप भी अपनी डेली की रूटीन में सुबह की वॉक को शामिल करें, बहुत से फ़ायदे हैं सुबह की वॉक के। इनाम भाई अपने भैंसों की देखभाल कर रहे हैं, अभी तक भैंसें भूखी हैं, इनको चारा नहीं डाला गया, देख रही हैं गुस्से से। अभी हम रोटी डालेंगे कवे को, चेक करें कितने ज़्यादा कवे इकट्ठे हो गए हैं। ये देखें अभी और आएंगे, सारे कवे हमारी छत के आसपास आ गए हैं। और हम खुश हो रहा है कवे को देखकर। अभी ये कवे को पकड़ने जा रहा है, जाओ पकड़ लो। मैं जा रहा हूँ यान को स्कूल छोड़ने,
हानी बैठा हुआ है मेरे साथ है, अरहम है और हानी है। जान को स्कूल छोड़ दिया है, अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए। काफ़ी देर हो चुकी है, 8 बज चुके हैं, तो अभी चलते हैं ड्यूटी के लिए। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश की वजह से पानी खड़ा हो चुका है। अभी हम डलवाएंगे पेट्रोल इधर से।